हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स। और अभी बजे है सांझ के छः बजे के आसपास हुए हैं और हम अभी घर से निकले। तो आज पहला जा जाने वाले हैं, पहले आज उसकी बात करते हैं। आज हम क्योटो, और क्योटो मतलब कि जैसा कि इंडिया में वाराणसी है, मंदिर जाता होते हैं, वहाँ जाएंगे और फिर जाएंगे फुजीसान। यहाँ पे एक पर्वत, एक पहाड़ का नाम है जो जापान में सबसे ऊंचा है, बहुत ऊँचा। आज हम दो लगभग 3 दिन की ट्रिप में इन दो जगह घूमने जाएंगे। लगभग हमारे साथ हम 5-6 लड़के साथ में जाएंगे गाड़ी रेंट पे करके, काफ़ी शायद मज़ा आने वाला। मेरे सामने खड़ी है अभी ऑडी A4 शायद से, सही तो पता नहीं। जो सामने वो चमक रहा है, सामने का जो फैमिली मार्ट है वहाँ पे। वहाँ से नहीं जाना, यो सीजी पे जाना, यो सीजी का लेफ्ट ले ले भाई, यहाँ से इधर से। हाँ खीरा भी लिया है, लाल बना रहा है। हाँ केले भी खाए। चल कौन सा है, मेरी सबसे मेरे नाम से। हाँ आप देखो, जापान में गाजर और वो कितने मिलते हैं, आलू गाजर क्या रेट में मिलता है, कोई भी 4 आलू 100 रुपये का आता है। सब चीज़ का प्राइस कितना महंगा है। हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे सामान के बारे में जो कि शायद इंडिया में नहीं है। जैसे ये फ्रेश सामान होते हैं, जैसे आप इनको रख लो महीनों तक ये चल जाते हैं। इनके अंदर वो होता है कि वो मांस मछली होता है, सब कुछ होता है, और इनको उसमें तेल में तलो और ये तुरंत रेडी हो जाते हैं। बड़ा कन्वीनियंट होता है, ले 5 मिनट में बनाओ और खरीदो, और उससे ज़्यादा होता है ये। इसमें गर्म पानी डालो, 3 मिनट में तैयार हो जाती है। ये सबसे अच्छा होता है, 3 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो सकता। 3 मिनट में तैयार, 2 मिनट में खाना, 5 मिनट में अपना फिर ये सब कुछ। सनफीस्ट मैगी देखो काला कहाँ घूम रहा है। ओह जापान में दिखाते हैं आपको मशीन कितने की मिलती है। ये एक नॉर्मल मशीन है, ये 5 किलो की है, लगभग 18,000-19,000 की है। तो हम अभी निकलते लगभग 8 बज गए हैं लगभग, लेकिन इस सिटी से जहाँ हम रहते हैं फुकुओका सिटी से अब तक बाहर नहीं निकले हैं। सब इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी मतलब कि लास्ट टाइम जैसे पानी पीना, कुछ भी खाना पीना है या फिर अपना वो करना, क्या बोलते हैं उसको, शौचालय जाना है हिंदी में, तो वहाँ चले जाने के सब उसके लिए एक दूसरे को बोल लिया। अगर किसी को थोड़ा बहुत कुछ आना, क्योंकि हाईवे पर चढ़ने के बाद ना कहीं भी गाड़ी नहीं रोक सकते, रात का टाइम हुआ है फिर भी, तो इसलिए सब उसके। अभी 2 घंटे के बाद हमने रास्ते में एक गाड़ी रोकी, अब जिसे टॉयलेट वॉलेट जाना है वो टॉयलेट जाएगा, जिसे थोड़ा फ्रेश हो। ये जापान में रूल होता है कि 2 घंटे के बाद आपको गाड़ी रोक के फ्रेश होना है, क्योंकि नींद आ जाती है, तो इसके लिए एक्सीडेंट ना हो, तो ये रूल बनाए गए हैं, ये फॉलो करने होते हैं अपनी सुरक्षा। ऐसा सीन है कुछ यहाँ का। अभी हम रुके हैं, अभी रुकने के बाद टॉयलेट जाने के बाद में और फिर या सुपर मार्केट होती है और यहाँ पे वेंडिंग मशीन होती है, यहाँ से कुछ खाना वाना जिसको भूख। फिर दोबारा रेस्ट करने के लिए एक जगह हाईवे पर रोकी थी। हाईवे पर मतलब कि जगह जगह होता है नहीं कि वाहन होते हैं, ट्रक वाले होते हैं, उनको रुकने के लिए, रेस्ट करने के लिए और उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा खरीद सकें। इसलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, वो मतलब कि जो नॉर्मल वॉशरूम हो वो तो नॉर्मल हो ही हो, लेकिन आज ये बच्चों का वॉशरूम देखा मेरे पीछे, इसमें दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये छोटा सा जो बच्चों को मतलब कि बच्चे को यूज़ करने का। तो जहाँ पे ये हाईवे पर रेस्ट करने का है तो यहाँ पे सब कुछ होता है, टीवी भी लगा है, प्रोग्राम भी चल रहा है, हर तरह की किसी भी तरह की कॉफ़ी खरीद सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब कोविड का टाइम है तो ऐसे ये लगी है कि आमने सामने दूसरे के ना बैठे, सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर लिखा है, उसके लिए लगाया गया है। अच्छी तरह से चेयर है, साफ़ सफाई है और ये सब कुछ, ये ग्रीन टीवी मिलती है, टीवी मिल वैसे नॉर्मल ब्लैक टीवी। और ये क्या है, अरे पैसे लाए। ये और अलग तरह की और मशीन है, ग्रीन टी, हॉट वाटर और नॉर्मल वाटर, ये शायद फ्री मिलता है क्या, वो ये शायद फ्री मिलता है। और इसमें रखा ग्रीन टी, लेगा मैं ग्रीन टी दबाया और ये निकले,
तो ये फैसिलिटी भी होती है। यू देखो रिलेश, रिलेश भाई क्या है ये जापान में, इस जापान में क्या सिस्टम है, गरम है तो ये भी निकाल दिया। इन दोनों में देखो भाई जापान में क्या है ये, गरम है तो। इधर भी वेंडिंग मशीन लगी है, आप कुछ भी, आपको जिस चीज़ की जरूरत है, जिस चीज मतलब कि एनर्जी ड्रिंक सब कुछ है यहाँ पे जो चाहिए होती है। मैंने कॉफ़ी खरीदी अभी, आप कॉफ़ी निकल के आ गई, वो ढक्कन भी बंद हो गया है भाई। दो सौ येन की कॉफ़ी मिली है, 200 येन लगभग 120 रुपये 130 रुपये। अब टेस्ट बताओ इसका कैसा है। अरे 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 क्या होता है इसका मतलब। अच्छा अच्छा ये यहाँ का साइन है कुछ इस प्लेस का, यहाँ पे ये लगे है और वो स्टैम्प रखा है, लगा और ले जाओ। तो भाई अभी रात के लगभग 2 बजे है और हमारे साथ एक सीन हो गया, वो हमारे पीछे गाड़ी खड़ी है और अभी तो हमें एक स्टॉपेज पे रुक गया। रुकने का कारण है कि गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ का और मतलब कि माँ अवेयर नहीं थे इसके लिए, क्योंकि तो उसकी वजह से अभी तो यहाँ रुक रहे हैं। किसी एक पेट्रोल पंप पर फ़ोन किया है, वो वहाँ से तेल लेके आएगा 10 लीटर, और उसे पता नहीं अभी बात कर रहे थे कितना टाइम लगेगा, शायद कम से कम आधा घंटा 35 मिनट तो लगेगी, तब से यही है। ये हमारा आज सीन हो गया रात में, देखो अब कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे सेफ तो है, अगर अब तेल भी ख़त्म हो गया सुबह तक वेट करने का, लेकिन यहाँ अंदर बिल्कुल सेफ है, बैठ सकते हैं अंदर। वही है कि हाईवे पे बैठने की रेस्ट करने की जगह है, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जिसको हमने तेल के लिए फ़ोन किया था, वो अब अपना तेल लेके आ गया है। ये गाड़ी है और अब हमारी गाड़ी में तेल चलेगा। अब फाइनली हम रात को ही अब यहाँ से निकल जाएंगे। इस गाड़ी में हमारा तेल आया है, ये तेल आया है। उसको भी तो बोलना। गाड़ी किसके पास है? मेरे पास। अभी शायद इसके कुछ डिटेल्स है जो ये कलेक्ट कर रहा है कि इंफॉर्मेशन जो थी वो इन्हीं के पास आया है क्या। अब ये कह रहा है कि मैं हमेशा हम 10 लीटर से ज़्यादा नहीं देते, आज इसमें मतलब 30 लीटर अभी वो ले रहा है कि आज हम मैं 20 लीटर दे दूँगा, 20 लीटर से ज़्यादा मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि 10 लीटर हमें इसमें रखना होता है, इनका कुछ रूल होता होगा, तो इसलिए अब इससे हमसे 20 लीटर ले रहे हैं। और फिर इसने हमें जो 24 घंटे खुलने वाला पेट्रोल पम्प होता है उसका हमें एड्रेस दिया है, वो बताया है कि उसने बोला कि आप वहाँ पर जाके फिर भी डलवा सकते हो 20 लीटर में। ये बड़ी गाड़ी है, इसका इंजन बड़ा है, लगभग 1700 cc के आसपास का इसका इंजन है, तो लगभग या 1 लीटर में 15 या 17 की इतना ही चलती है। तो गर्मी है तो AC भी चलाते हैं, प्लस 6 लोग अंदर भी बैठे हैं इसमें, तो इसके मेंटेनेंस का होता है उसको, तो इसका मतलब कि वो कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा जो इसका एवरेज होता है, तो इसलिए ये हमें 20 लीटर तेल अब देने के लिए रेडी होगा। और अब इससे तेल लेके अब चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रिप।